आखिरकार तुम भी जिद करके ले ही आए मुझे। जी आप ही बिल्कुल, लेकिन मुझे गवारा नहीं है कि मेरे होते हुए आप अपनी दोस्त के पास रहें। नहीं, बेगम को भी बुला लो, उससे भी बातचीत करके सुलह कर लो। वो ऑफिस गई हुई है, वापस आएगी तो खुद ही आपसे सुलह करेगी। मामा, क्या आप अपने बेटे को बिल्कुल भूल चुकी हैं? आपको यान की याद नहीं आ रही? अरे बेटा हिजाब, ऐसी बातें नहीं करते। और मामू, आपको भी अयान की बिल्कुल याद नहीं आ रही? ऐसा नहीं है बेटा, हम बहुत प्यार करते हैं अयान से, उसकी फिक्र करते हैं, लेकिन देखो ना मामा गई उस दिन अयान से मिलने, तो आपके पापा ने मिलने ही नहीं दिया। थोड़ा इंतजार करें, मिल लेंगे। मैं तो हर लम्हा अयान को याद करती हूँ, उसकी याद में तड़पती। तो मामा, फिर आप ये क्यों नहीं मान लेती कि आप उस डायन से बहुत ज्यादा कमजोर हैं? ज़बान संभाल कर बात करो हिजाब। अरे अभी कम ऑन, बच्ची है, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। अयान बहुत जल्द हमारे साथ हो, हमेशा के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप परेशान ना हो, बस आराम करें, थक गई होंगी। आराम तो मेरी जिंदगी में उसी वक्त आएगा जब अयान मेरे साथ होगा। आप भी दुआ करो भाई आ जाए जल्दी, हैं?